Okay students, now today we will discuss how to make the diagram of human elementary canal. देखो बेटा, मैं चाहती ना तो आप लोगों को डायग्राम्स अभी नहीं बाद के लिए पोस्टपोन कर सकती थी, पर मैंने पोस्टपोन नहीं की है क्योंकि अभी तो आप लोग घर पे ऑलमोस्ट फ्री ही हैं. ऑलमोस्ट फ्री मतलब मुझे पता है कि स्कूल का बहुत सारा काम है, बट स्टिल डायग्राम की प्रैक्टिस तो की ही जा सकती है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. फिर से बता रही हूँ बेटा, कोई भी डायग्राम है तो कितनी बार बनाना है बेटा? 5 बार बनाना है. कल मुझे उस डायग्राम की फोटो भेजनी है. और तीसरी चीज, जब भी डायग्राम बनाओगे बार बार वीडियो को पॉज करोगे, पेपर उठाओगे, पेन उठाओगे, उतनी शेप बनाओगे. एक और चीज बच्चा, डायग्राम में क्लैरिटी के लिए ट्राई नॉट टू यूज इरेजर. इरेजर यूज बिल्कुल मत करना, कोशिश करना पेन से डायग्राम बनाओ. क्योंकि मेंटली होता है, जब हमें पता होता है कि हमें हमारे पास इरेजर नहीं है ना, तो हमारा माइंड मतलब उस चीज को ऑलरेडी ही करेक्ट बनाने की कोशिश करता है. जब आप उसको पेंसिल और इरेजर के साथ करते हो ना, तो आप उसको बार बार मिटाते हो और आपको टाइम भी ज्यादा लगता है और एक्यूरेसी कम आती है. अब आपको क्या करना है, पहले ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के लिए सपोज आपने ऐसे लंबा पेज, ट्राई टू टेक अ पेज लाइक दिस, ऐसे लंबा पेज लेना बेटा, खड़ा पेज लेना. फिर क्या करना, आप डायग्राम बनाएंगे तो मेक श्योर कि कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर से ऐसे 2-3 लाइन की स्पेस छोड़ देना और ऐसे ऐसे 7 उल्टा 7 बनाना है. ये उल्टा 7 बना के पॉज करेंगे अभी आप वीडियो, और पहले 7 बनाएंगे फिर आप उसको प्ले करेंगे. देन आप इसके बाद एक छोटा सा ऐसे ऐसे 7 से नीचे ऐसे हल्का सा छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे. थोड़ी सी स्पेस छोड़कर बिट्टू व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पर ऐसे करके उल्टा 3 जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे. आप बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देन फिर से पॉज कर करके आप साइड बाय साइड बना रहे हैं, मेक श्योर अबाउट दिस. अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे बस यहां तक लाएंगे और बिट्टू इसको यहां से ऊपर लेकर जाएंगे, हल्का सा बाहर निकालेंगे और इसको गोल घुमा देंगे ऐसे और ऐसे. यू विल बी रेडी विद द फेस ऑफ अ मैन. आई नो आदमी का चेहरा बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है डायग्राम में. बहुत सारे टीचर्स कहते भी हैं कि इफ यू आर नॉट गुड एट ड्राइंग तो आप इसको स्किप कर सकते हो. पर बेटू देखो, जब आप पेपर में डायग्राम बनाते हैं ना, तो आपके टीचर को तो नहीं पता यू आर गुड एट ड्राइंग और नॉट. तो एक आध चीज तो हमें बनानी सीख लेनी चाहिए उसको फूल करने के लिए कि हमें तो बहुत अच्छी ड्राइंग आती है. अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से ऐसी शेप बनाएंगे लंबा यहां तक. स्टार्ट करेंगे लेबलिंग से, दिस इज द माउथ और बकल कैविटी और ओरल कैविटी. आजकल खूब सारा टीवी देख रहे होगे ना, तो ओरल बी का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा. तो बेटा ओरल बी की आपकी ओरल कैविटी की सफाई करता है, ये आपकी उस एडवर्टाइजमेंट की स्टेटमेंट होती है. तो माउथ की कैविटी को ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं. कैविटी मींस स्पेस. ये जो नीचे की तरफ आपने बनाया है बिट्टू, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड्स. ये क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड. थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यहीं पर ही ब्रैकेट में लिख रही हूं, दे रिलीज सलाइवा. क्या रिलीज करते हैं बेटा, सलाइवा. क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी आता था ना, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश की नहीं इसके अंदर. अब आप क्या करेंगे बिट्टू, अब आप यहां से ऐसे करेंगे और एक जे जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे. देखो समझ में आया कैसे जे बनाया, देखो ऐसे करके यहां से जे ऊपर से मैच कर देना, यहां से हल्का सा टिल्ट कर देना. अब इसके पास अंदर एक छोटा सा सी बनाएंगे. अब यू विल मैच इट फ्रॉम हेयर एंड देन फ्रॉम हेयर, दिस इज योर ईसोफेगस और फूड पाइप एंड दिस इज योर स्टमक. आप क्या करेंगे, अब आप यहां से ऐसे वी बनाएंगे. ये वी आपको दिख रहा है ना, यहां से एक और दो करके
वी बनाएंगे, फिर आप इस वी की लाइन को यहां से एक्सटेंड करेंगे और यहां तक क्लिक कराएंगे, एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पेनक्रियास। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे, यहां देखो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाया है ये मैंने, दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज गॉल ब्लैडर। अब देखो, पहले यहां देखो, अब आप एक बहुत बड़ा सा ट्रायंगल जैसी शेप का, कोशिश करना लार्जर देन द स्टमक बनाए बिट्टू आप इसको, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड दिस इज नोन एज, एक लाइन लगा देना बीच में, दिस इज योर बिट्टू लिवर। लिवर क्या रिलीज करता है बिट्टू, इट रिलीज बाइल जूस। और अगर मैं बात किसकी करूं, अगर मैं बात करूं गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर ऑल्सो स्टोर बाइल जूस। यहां तक का आपका डायग्राम ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड दिस इज योर डायफ्राम। लेबलिंग्स इंटरमिंगल ना हो जाए बिट्टू, इसीलिए जो लेबलिंग्स बहुत पास पास हो रही हैं, मैं उनको रेड पेन से बॉक्स में डाल रही हूं ताकि आप उनको मिक्स ना करते हैं आपस में। अच्छा बिट्टू, अब क्या करेंगे हम, अब आगे का नीचे वाला पार्ट बनाएंगे। आपको छोटे छोटे सी बनाने आते हैं ना, तो यू विल ड्रॉ लाइक दिस, एक दो तीन, यहां पर भी एक दो तीन चार, ऐसे करके सी बना दीजिए। अब क्या करेंगे, नीचे की तरफ, इधर भी नीचे की तरफ, अब इसको इधर की तरफ टिल्ट कर लीजिए, एक दो तीन चार पांच, इधर भी एक दो तीन चार पांच। अब क्या करेंगे, इसको इधर से डबल कर दीजिए, एक दो तीन चार, और इसको इस तरफ टर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, और इसको एक दो तीन चार पांच। देखना, कोशिश करना बिट्टू, दिस इज योर माउथ, तो माउथ की सिधाई में ही एनएस आए, ऑलमोस्ट डाउन वहां पे आए, तो आप क्या करेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन और चार, दिस इज योर एनएस। एनएस इज द पार्ट जहां से इजेशन होता है। आप सुबह सुबह जो वॉशरूम जाते हैं बिट्टू, वो कहां से जाते हैं, एनएस से जाते हैं, दिस इज योर अपेंडिक्स। दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन। अब यहां पे देखो बिट्टू, आप कैसे बनाओगे, छोटे छोटे एस बनाने शुरू करते, एक एस, यहां से वॉल में घुस गया तो यहां से वॉल से निकालना, फिर इसके अंदर, फिर वापस से ऐसे कर देना, फिर वापस से कर देना, फिर वापस से कर देना, फिर वापस से कर देना। अब क्या करना, डबलिंग करनी स्टार्ट करना है इसकी, डबल किया, यहां से भी डबल कर दो, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, बीच बीच में कहीं कहीं लाइंस ड्रॉ कर दो बेटा, एंड दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन।